म्यूजिकल माइल्स तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता है और आज है हमारा व्लॉग नंबर 9। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे करोना फार्म से रिलेटेड सभी बातों की जो छूट गई हैं अभी तक बताना, जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दे पाया हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। फरवरी के इस मंथ में यहाँ का जो वेदर है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, मतलब इतना ज़्यादा सूदिंग है यहाँ पे, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, हमेशा ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है यहाँ पे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी नज़ारे को घूर घूर के देख रहे होंगे और आप पीछे मुड़ेंगे वापस से उस नज़ारे को देखने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा बादल और धुंध से छिप जाएगा। तो यहाँ जो बादल हैं और नज़ारे हैं आपस में आँख में चोली आपके साथ ज़रूर खेलते रहते हैं हर वक्त। ओवरऑल लाइफ जो है करोना फार्म्स की एकदम चिल है, पर यदि आपको दूर कोई व्यू दिखाई दे रहा है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं तो एक ट्विस्ट है कि आपको ना ट्रैक करके वहाँ तक जाना होगा, यही एक अकेला ऑप्शन है। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद नहीं है उन लोगों के लिए तकलीफ वाली बात हो सकती है, बट आई तो लव ट्रैकिंग। नज़ारे और म्यूज़िकल महफिल के अलावा यदि आप लोगों को भूख लगती है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अपनी खुद ग्रोसरी लेकर आएँ और यहाँ पे खुद बनाएं, क्योंकि किचन प्रोवाइडेड है। अदरवाइज़ आपको फिर से ट्रैक करके जाना होगा 2 किलोमीटर का रिसेप्शन तक। रिसेप्शन में जाके आप प्रकाश यानी कि जो ओनर है वहाँ के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की। लंच में हम लोगों को पूरी सब्जी मिल गई थी जो हमने ऑर्डर किया था, उसके अलावा डिनर में आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ना मेरे फ्रेंड्स दोनों खिड़की पे सो रहे हैं और सिंक्रोनाइजेशन के साथ में खर्राटे ले रहे हैं। आपकी ज़िंदगी यहाँ पे एक एडवेंचर है, अब आप चाहे ना चाहें एडवेंचर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होने की वजह से आपको यहाँ पे कीड़े मकोड़ों से तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यार रात भर सामान रखा रहा, खाया पिया थोड़ा बहुत कुछ फैलाया जो भी, उसकी वजह से अभी पूरे सामान में चींटियाँ हो गई हैं और लाल वाली चींटियाँ हैं। अगर देखे सरफेस पे ऐसी कई चींटियाँ यहाँ हमारे सामान पे हो चुकी हैं। बाकी करोना फार्म्स के बारे में जो भी रिलेवेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन ब्यूटीफुल नज़ारों के बीच में एक छोटी सी परफॉर्मेंस से इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। चलिए तेरे आ गए मुस्कुराने लगे
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हाँ तो भाई लोगों, हम लोग इस विला को यानी कि कोरोना फार्म को छोड़ते हुए इस वक्त बज रहे हैं 5 PM और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं पांडिचेरी के लिए। तो पांडिचेरी के लिए हमको यहाँ से मिलेगी बस जो हमने पहले बुक कर ली है। यहाँ पे ओवरऑल ठंडी शानदार है। अब यहाँ से हम लोगों को एक पांडिचेरी के लिए बस मिलेगी, वो 6:30 PM है। वैसे तो कोविड की वजह से सभी जो हैं कन्वीनियंसेस जो है बंद है, यहाँ पे सारी बसेस वगैरह बंद कर रखी हैं। बट बात की थी एक शख्स से, उन्होंने बताया कि आपको जो है बस पांडिचेरी के लिए मिल सकती है, वो वाया मिलेगी। आपको क्या करना होगा, कोडाईकनाल से वेल्लुपुरम तक जाना होगा। वेल्लुपुरम तक जाने के लिए आपको 9 घंटा लग सकता है और हमने यही किया है। अभी जो हमारी बस है वो हमको वेल्लुपुरम तक पहुँचा देगी 2 PM, फिर वहाँ से 1-2 घंटे की जर्नी बच जाती है। वहाँ से अपना कन्वीनियंस अरेंज करके हम लोग पांडिचेरी पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली आइटनरी है और ये बेसिकली हमारा तरीका है वहां तक पहुंचने का। अब मिलते हैं आने वाले समय में। देखिए अपने फार्म को छोड़ते हुए कैसा नज़ारा दिख रहा है। Now is for you to stay the night.